गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम क्लास फोर्थ जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें ओवरऑल डिस्कशन करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर का। आप सभी के मई तक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो ये लास्ट टॉपिक था मैथ्स का वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन था। हम लोग प्रीवियस सेशन में इससे रिलेटेड एस्टिमेटेड डिफरेंस पड़े थे, है ना। अभी जो है आप सभी के एग्जामिनेशन में इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अभी हम देखेंगे कि हम लोग इससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ चुके हैं। आप लोग को एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड भी होगा इस सेशन में कि आप लोग अभी तक इससे रिलेटेड क्या पढ़े थे, इस चैप्टर से रिलेटेड। और फिर इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पिछले जो चैप्टर थे उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें पहली बार सबसे पहले पढ़ा था एडिशन ऑफ या एड ऑफ 5 and 6 डिजिट्स नंबर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, पढ़ा था 5 और 6 डिजिट्स नंबर का, जिसमें हम लोग दो तरीके से पढ़े थे। पहला जो था वो क्या था, विथ रीग्रुपिंग। और सेकेंड जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, विदाउट रीग्रुपिंग। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि विथ रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग क्या था। एक ग्रुप करके करने, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 5, 4, 6, 8, 9 में 1, 0, 2, 5, 0 ऐड करना है ना, तो 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s। ठीक है, तो आप इसको ऐड करोगे तो 9 आ जाएगा, 8, 5, 13 होता है, 13 का 3 कैरी 1, 6, 2, 8, 1, 9, 4 and 5, 1, 6, है ना। ये हमारा विथ रीग्रुपिंग हो गया, सॉरी विदाउट रीग्रुपिंग। अब विथ रीग्रुपिंग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था कि 9 1s and 0 1s ऐड होगा, स्टेप वन 9 1s + 0 1s इज इक्वल टू व्हाट, 9 1s। तो 9 1s के प्लेस में हमने 9 लिखा है, ठीक है। उसी तरह स्टेप टू में क्या है, 8 10s + 5 10s, हम लोगों ने क्या किया था, 13 10s। और 13 10s में 3 जो हम लोग यहां पर लिखे थे और 1 कैरी यहां पर लिखे थे। सिमिलरली स्टेप 3 में करते थे 600 + 200 800 और उसका कैरी 900। सिमिलरली 4000 + 0000 = 4000, 5000 + 10000 + 1000 = 16000। ये विदाउट विथ रीग्रुपिंग हुआ, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था विदाउट रीग्रुपिंग का था। तो ये हम लोगों ने पहला हमारा टॉपिक था जिसको उन्होंने देखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एड और 5 and 6 डिजिट्स नंबर, जिसमें हम लोगों ने देखा था विथ रीग्रुपिंग एंड विदाउट रीग्रुपिंग। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखे थे हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में हमने क्या देखा था कि मैंने बताया था कि आप किसी भी नंबर से जोड़िए, अगर दो नंबर देता है अगर ए और बी, तो आप ए में भी जोड़िए बी में, ए को बी में जोड़िए जो रिजल्टमेंट आएगा, या फिर बी में ए को जोड़िए जो रिजल्टमेंट आएगा, दोनों इक्वल्स होता है, ठीक है। साथ में मैंने ये भी बताया था कि राइट अलाइनमेंट से लेफ्ट अलाइनमेंट की तरफ लिखते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था, जब पढ़ा था। थर्ड जो हमने पढ़ा था सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू एडिशन, जिसमें हम लोग एडिशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जैसे कह सकता है कि इफ मोहन हैज 23 बुक्स एंड रोहन हैज 33 बुक्स, देन हाउ मेनी बुक्स बोथ है, मोहन के पास 23 बुक्स है और रोहन के पास 33 बुक्स है, दोनों के पास टोटल कितने बुक्स है। तो सिंपल है कि लैंग्वेज में जो कहा है उसको ऐड करेंगे, तो हमको देखना रहता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एड या सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो
एडिशन का वर्ड प्रॉब्लम था। उसके बाद सब लोगों ने क्या पढ़ा था, एस्टिमेटेड फॉर्म देखा था। एस्टिमेटेड सम देखे थे हम लोग, एस्टिमेटेड सम निकल, जैसे लास्ट सेशन में मैंने एस्टिमेटेड डिफरेंस बताया था, सेम मैंने बताया था कि एस्टिमेटेड सम भी हम लोग पढ़े थे लोग, जिसमें एक एक्चुअल सम आया था, एक एस्टिमेटेड सम आया था। नियरेस्ट के रिस्पेक्ट में ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक एग्जांपल फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर एड 54321 एंड 46582 नियरेस्ट टेल्स, तो उस कंडीशन में क्या क्या था, नियरेस्ट टेल्स क्या होगा 54321 का 2 के प्लेस पे और 2 हमारे पास एग्जांपल है, तो ये क्या हो जाएगा 54320। ओके, सिमिलरली 46582 नियरेस्ट टेंस, इन टेंस पे 8 है और 8 का वैल्यू मोर देन 5 है, तो यहां पर जो वैल्यू होगा 1 बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 46590। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो कितना आता है 0 9 2 जाएगा कैरी 1 538 81 9 648 कैरी 1 5491 10। तो ये जो होता था हमारा एस्टिमेटेड सम आता था, लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते तो वो एक्चुअल सम आता था। ठीक है, तो यही हम लोगों ने पढ़ा था। और भी इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइव डिजिट नंबर और सिक्स डिजिट नंबर। सब्ट्रैक्शन फाइव एंड सिक्स डिजिट नंबर नंबर पढ़ा था, जिसमें हमने दो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, एक सबट्रैक्शन बताया था, एक मिलियन बताया था और एक डिफरेंस बताया था। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। सबट्रैक्शन, मिलियन एंड डिफरेंस क्या होता है, तीन से पार्ट होते हैं बेसिकली। देखिए, अगर आप 11 में से 9 सबट्रैक्ट करते हो और रिमाइंडर आपका 2 आता है, तो ये जो 2 होगा वो आपको क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, ये जो 9 होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सबट्रैक्शन कहलाएगा, और 11 जो होगा वो क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाता था। ठीक है, तो यही हम लोगों ने इसमें देखा था। और उसके बाद सब लोगों ने क्या देखा था, इसमें भी सबट्रैक्शन हम लोग दो प्रोसेस से देखे थे, एक वीकली ग्रुपिंग और दूसरा क्या देखा था हम लोग, विदाउट रीग्रुपिंग। जैसे एडिशन का मैंने बताया वैसे ही उन्होंने इसको सॉल्व किया था, इसको समझा था। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन देखा था, उसके बाद से सॉल्विंग प्रॉब्लम देखा था हम लोगों ने, किससे रिलेटेड, सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड। और लास्ट उन्होंने एस्टिमेटेड डिफरेंस देखा था, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर ले रहा हूं आप लोगों को। पहले देखिए एडिशन देखा 5 एंड 6 डिजिट्स नंबर का, दो प्रोसेस से, एक विद रिग्रुपिंग एंड विदाउट रिग्रुपिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज देखा एडिशन का। ठीक है, और प्रॉपर्टीज देखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सम प्रॉब्लम देखे, उससे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। जैसे मैंने बताया कि मोहन और रोहन का कुछ, उनके पास कुछ बैग्स है, उनके पास कुछ बुक्स है, दोनों का सम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर्टी देख लिया था, फिर एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड सम देखा था हम लोगों ने। ठीक है, उसी तरह उसके बाद सबट्रैक्शन देखे थे हम लोग 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर का, फिर डी ग्रुपिंग विदाउट डी ग्रुपिंग देखे थे लोग, उसमें दो प्रोसेस था। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज देखे थे, मिनिमम सबट्रैक्शन इसके बारे में जाना था, बताया गया था कि सबट्रैक्ट से मिनिमम को नहीं सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वैल्यू नेगेटिव आने लगता है, डिफरेंस ऑफ वैल्यू नॉट इक्वल होता है। जैसे एस्टिमेट सम में मैंने बताया था कि 2 में 3 ऐड कीजिए 5 मिलेगा, 5 3 2 ऐड कीजिए 5 मिलेगा, लेकिन सबट्रैक्शन में ऐसा नहीं था, बिल्कुल डिफरेंस था, डिफरेंस आने लगता था अलग। ठीक है, और भी मैंने बताया था कि राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। ठीक है, वर्स के प्लेस को कौन सा सबट्रैक्ट करते हैं, टेंस के प्लेस को टेंस से सबट्रैक्ट करते हैं, टेंस सबट्रैक्ट हो तो वो क्या करते हैं, थाउजेंड्स के उससे ग्रेटर जो प्लेसेस होगा उससे एक मतलब एक कैरी हेड लिखते हैं। ठीक है, उधार लेते हैं या बॉरो करते हैं जो समझिए। और उसके बाद से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ देखा था सबट्रैक्शन, फिर उसके बाद से उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, सॉल्विंग वर्ड्स प्रॉब्लम, उसके बाद से प्रॉपर्टीज के बाद सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम के बाद फिर हमने क्या देखा, एस्टिमेटेड डिफरेंस देखा था। ठीक है, और एस्टिमेटेड डिफरेंस जब हम लोगों ने देख लिया तो उसके बाद से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो गया। इससे रिलेटेड
जितने क्वेश्चंस हैं, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो मैं आप सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है। आप सभी उन सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इस पे आज हम लोगों ने बेसिक जो ओवरव्यू था वो देखा था। आप लोग उसे क्या कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन बनाइएगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा प्रीवियस सेशन के जितने वीडियोज हैं या फिर जितने पीडीएफ है सबको आराम से खोलिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तब अगर नहीं समझ में आता, क्वेश्चन नहीं बनता है, तब अपने डाउट सेशन में अपने क्लास टीचर से पूछिए, मैथ्स के डाउट सेशन में मैथ्स के क्लास टीचर से, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।